उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कोरोना के 259 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस गौतम बुद्ध नगर में 117 नए मामले मिले हैं। गाजियाबाद में 55, लखनऊ में 26 और आगरा में 15 नए केस सामने आए। बता दें, प्रदेश में कुल 1587 एक्टिव केस है। 99% लोग होम आइसोलेशन में है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 मई को अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें, इसके बाद अब सरकार द्वारा यूपी के नोएडा में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि नोएडा में मास्क और कई नियमों में सख्ती सरकार ने पहले ही बढ़ा दी थी। जानकारी के लिए बता दें, नोएडा में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसको देखते हुए पिछले दिनों सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्य के 7 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब एक बार फिर सरकार ने तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सख्त फैसला किया है। सरकार ने नोएडा में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। सरकारी आदेश में कहा गया है, आगामी त्योहारों और बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में लागू धारा 144 CPRC को संशोधित करते हुए 1 मई से 31 मई तक बढ़ाया जाता है। धारा 144 की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। आपको बता दें, नोएडा पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।